अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब लैक्टोवर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो हर न्यू टेक्नीशियन के लिए है। अगर कोई बंदा न्यू है और अपना घर का पंखा जो है वो खुद लगाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को वो पूरा ज़रूर देखे, उसको इस वीडियो में काफ़ी ज़रा फ़ायदा होगा और नॉलेज भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपने अगर घर का पंखा खुद लगा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि आपको आपका जो पंखा है उसका ये वाला जो बोल्ट होता है जिसके साथ आपने पंखे को लगाना है, वो आपने इस तरह का बोल्ट इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता दूं इस बोल्ट का आपको फ़ायदा क्या होगा। ये वाला बोल्ट आपने लगाना है, इसमें आप लग देख रहे हैं ना, एंड पे एक सुराख है, एंड पे एक सुराख है। तो इस सुराख का आपको फ़ायदा बेसिकली क्या होता है? इस सुराख का आपको फ़ायदा ये होता है कि नट को टाइट करने के बाद आप इस तरह का कोई लॉक बना के इसमें लगा सकते हैं ताकि सेफ्टी रहे। कभी भी अगर ये वाला जो नट है इसका ये लूज़ हो जाता है तो पंखा जो है वो नीचे गिरे नहीं। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जो पंखे में कैपेसिटर लगाना है वो ये वाला आपने नहीं लगाना। ये देख सकते हैं 6.0 UF का आपने ये नहीं लगाना, आप 2.5 UF का लगा सकते हैं, 3.5 का लगा सकते हैं, लेकिन आप ये ना लगाएं। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में वैसे भी बिजली के क्या हालात चल रहे हैं, वो इतनी महंगी बिजली है, तो आप ये लगाएंगे तो आपका जो बिल है वो डबल ट्रिपल होके आएगा, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये वाला कैपेसिटर ना लगाएं, 3.5 लगा लें, 2.5 लगा लें। जैसे मैंने इसमें जो है वो 3.5 ही लगाया है। और तीसरी जो चीज़ है ये वाला, ये रबड़ आपने लाजमी लगाना है। इस पर भी काफ़ी सारा सेफ्टी रहती है इसमें, यहाँ पे क्योंकि ये लगता है तो ये भी आपने लाजमी लगाना है। इस पर भी पंखे की काफ़ी सेफ्टी रहती है कि गिरने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ये भी आप लाजमी लगाया करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जब पंखा गिरता है तो उस टाइम बहुत मसला बनता है। तो बात ये है कि पहले ही बंदा एहतियात कर ले तो बाद में कोई मसला ही नहीं बनता। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ैन को ऊपर मैं छत पे लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, अगर मेरे पंखे को मैंने लगा दिया छत के साथ, और अब क्या करते हैं कि इसको ऑन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं तो ये देख लेते हैं कितना अच्छा है हमारा ये फ़ैन जो है चलना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।